नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भवानी मंडी में राष्ट्रीय संत कमल मुनि की प्रेस वार्ता, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर किया कटाक्ष। भवानी मंडी में कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक हुई आयोजित, न्यूनतम गारंटी के बारे में कार्यकर्ताओं को दी जानकारी। डग में न्यूनतम आय योजना के तहत 20 गरीबों को मिलेंगे 6,000 प्रतिमाह, पूर्व विधायक ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी। ग्वालियर में जिला कलेक्टर ने डबरा पिछोर का किया निरीक्षण, शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने की लोगों से की अपील। देहरादून में मदरसा अजमतुल कुआर में जलसे का हुआ आयोजन, आयोजन में अमन व शांति के साथ जिंदगी गुजारने की कही बात। देहरादून में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव की तैयारी के शुरू दिखाया उत्साह, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। बलोत्रा में कनाना शीतला सप्तमी पर भव्य मेले का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। पिछोर में हजरत फाजा बली के उर्स को लेकर बैठक हुई आयोजित, बनाई कई सारी कमेटियां, सौंपी जिम्मेदारी। देहरादून में कांग्रेस कार्यालय का किया उद्घाटन, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की कही बात। चोहमला में दीक्षार्थी मयंक पावेचा की निकाली भव्य शोभा यात्रा, जितेंद्र मुनि से जैन भगवती दीक्षा लेकर बनेंगे जैन साधु। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिले के डग में शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा गरीबी उन्मूलन को लेकर न्यूनतम आय योजना की घोषणा के बाद पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा एवं ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की गरीबी उन्मूलन को लेकर विश्व की सबसे बड़ी योजना की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनने पर देश से गरीबी हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा न्यूनतम आय योजना के तहत देश के 20% गरीबों को 6,000 प्रतिमाह, 72,000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। यह रकम परिवार की महिला सदस्य खाते में जमा की जाएगी, जिससे देश में गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, रोटी और मकान मिल सके। न्यूनतम आय योजना के तहत 12,000 से कम आय वाले प्रत्येक परिवार को योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के माध्यम से 5 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे। देश में गरीबी उन्मूलन को लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई अर्थशास्त्र की मदद से इस योजना को तैयार किया गया। वर्मा ने बताया कि इस दौरान भाजपा की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की गरीब जनता को ठगने का काम किया। भाजपा सत्ता में आने के लिए एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया, इसको लेकर लोगों ने लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भी लोगों के हाथों में सरकार ने रुपए नहीं डलवाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो पूरा भी करती है। 3 राज्यों में चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। पार्टी ने घोषणा के बाद 10 दिन बाद ही किसानों का कर्जा माफ की प्रक्रिया पूरी की गई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस डग ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुमलेबाजी कर प्रदेश में किसानों, आमजन, व्यापारियों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में घोषणा की थी कि हर वर्ष 3 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन मोदी सरकार का 5 साल का कार्यकाल के हिसाब से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, लेकिन यह घोषणा जुमलाबाजी साबित हुई। इस दौरान प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रभुलाल शर्मा, राजेंद्र सिंह, सुभाष वे, शीतल जैन, वकील भाई, धर्म प्रकाश भट्ट, देवेंद्र जाजू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। 26 तारीख को राजस्थान दौरे पे पधारे थे। बूंदी की विशाल आम जनसभा में
उन्होंने इस बात की घोषणा की कि पूरे देश में आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है तो इस देश के 20% गरीब परिवार जो लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या है को जो है न्याय योजना के तहत जो है इस गरीब परिवार को जो है सरकार सहायता देगी। उस गरीब परिवार के खाते में महिलाओं के नाम से जो खाता खुलेगा 72,000 रुपये साल की जो है उसको न्यूनतम आय के हिसाब से उसके परिवार को मिलना चाहिए, जिससे कि उसका परिवार जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठकर और समाज में जो है मान सम्मान के साथ जीवन जो यापन कर सके। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि 2014 में जिस प्रकार मोदी जी ने वायदा किया था कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस देश के हर परिवार के खाते में 15 लाख रुपये जमा कराएंगे, वो योजना आज तक जमीन पे नहीं आएंगे। इस देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो योजना आज तक जो है जमीन पे नहीं आई है। इस देश के किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो योजना आज तक जो है जो आज तक किसान आत्महत्या कर रहा है, मारा मारा फिर रहा है और किसानों की सुध लेने वाला नहीं है। कांग्रेस ने जो है विधानसभा चुनाव के टाइम राहुल जी ने जो है तीनों राज्यों में जहाँ चुनाव हुए थे उन्होंने ये घोषणा की थी कि राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों में 10 दिन में 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ होंगे और तीनों राज्यों में ही जो है उस योजनाओं को पूरा करके चालू करके दिखाया। ये कांग्रेस जो कहती है वो करती है, कांग्रेस घोषणाओं को कांग्रेस गरीबों के लिए, कांग्रेस नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, माँ बहनों के लिए, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए जो भी कांग्रेस ने घोषणाएं की उन योजनाओं को जमीन पे उतारा है, गरीब के परिवार तक जो है उन योजनाओं का लाभ। ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने डबरा और पिछोर का भ्रमण के दौरान विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने में सभी की भूमिका एवं दायित्व से अवगत कराया। इसी के अंतर्गत पिछोर में नवीन बनी गौशाला का निरीक्षण किया एवं कलेक्टर ने गौशाला प्रभारी राजकुमार यादव को निर्देश दिए कि गौशाला में गायों के लिए भरपूर मात्रा में भूसा चारा आदि की व्यवस्था कराए एवं लोगों से संपर्क कर दानदाताओं से सहयोग करने के लिए कहे। भ्रमण में उनके साथ जिला पंचायत सीईओ, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एसडीएम जयंत सिंह, एसडीओपी देवेंद्र कुशवाहा, पिछोर नायब तहसीलदार वंदना यादव, पिछोर टीआई राकेश वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। वो काट काट करके जितना जितना पोर्शन उतना हम दे रहे हैं और हमने की जरूरत है कल से कितने बजे स्टार्ट। आज भ्रमण का लक्ष्य था और 3 मेन बिंदु थे, तो चूँकि लास्ट ईयर यहाँ पे कुछ इश्यूज हुए थे उसको लेके एक बार सबके साथ बैठक करना था और ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैफिक इश्यूज पे भी बहुत लोगों ने ध्यान आकर्षित किया था, उसके लिए आज डबरा में बैठक भी की है। और तीसरा हमारे यहाँ पिछोर में गौशाला एक नया स्टार्ट हुआ था तो उसका इनिशिएटिव को देखना था। और चौथा चूँकि कई भी जो लोकल इशूज़ हैं ग्रामीण क्षेत्रों थोड़े उन पर रेगुलर बेसिस पे कलेक्टर एस पी आ जाए वहाँ के लोकल इशूज़ रिजॉल्व कर पाए। आज बाईपास को लेके भी बात हुआ है और ये लोग ने प्रॉमिस किया कि कल से ये लोग पोल हटाना शुरू कर देंगे जो इनके इनको 249 पोल उनको हटाने थे, आई थिंक उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। और अभी हमारे जो पूरे मतदान केंद्र थे उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया है, तो बेसिकली इलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर और सभी मुद्दों को एक क्लब करके निरीक्षण था। देहरादून रामपुर कला में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मदरसा अजमतुल कुआन में जलसे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मदरसा डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद अली साहब के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर मुफ्ती निजामुद्दीन ने लोगों को जागरूक किया जिसमें आसपास में दूर दराज से आए मेहमान नाने इकराम ने शिरकत की जिसमें भारी संख्या में लोगों ने तशरीफ रखी। हजरत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहब उस्ताद देवबंद ने शिरकत फरमाई जिसमें लगभग 4 लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना स्थान ग्रहण किया। इस अवसर पर मौलाना मुफ्ती रियासत अली ने अपने मुंह सायरे को अमन और शांति के साथ जिंदगी गुजारने की बात कही और अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों तालीम रोश नाश कराए। इस अवसर पर हाजी सद्दीक अहमद राशिद पहलवान जिला पंचायत सदस्य सहसपुर हाजी सईद हसन, हाजी सलीम हाफिजी, इरफान मोहम्मद, असलम मोहम्मद, आबिद प्रधान, आलम साहब, हासिफ सुलेमान साहब, मुफ्ती जाफर साहब आदि बड़े संख्या में लोग मौजूद थे। दुपट्टा भी उतर गया है, आज हमारे कारोबार के अंदर हलाल का तसव्वुर नहीं है, हराम की तरफ राजी है, माल आना चाहिए, चाहे हलाल से आए चाहे हराम से आए कोई परवाह नहीं करता। नबी का
अक्सर गैर मुस्लिम भाई हैं, बिरादर वतन हैं, हिंदू भाई हैं, लेकिन क्या बताऊं, जब रात को सूरज छुपता है, रात हुआ जाती है, सूरज गुरुम होता है, तो हमारे खींचने वाले ये वजन का। आपका नाम? जफर अहमद कासमी जी। जैसे ये जलसे का आयोजन किया गया है, तो उपलक्ष्य में आप सभी मेहमानों को क्या रुझान देना चाहेंगे, किस तरह से उन्हें समझाना चाहेंगे अपनी युवा पीढ़ी को, अपने मेहमानों को? देखिए, इस्लामी मदरसे जो है पूरे देश में एजुकेशन और ख़ास तौर से फ्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन का इंतज़ाम करते हैं और उनका सारा सिस्टम जो है चैरिटेबल है। देहरादून तेलपुरा में आज सहसपुर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें झंडे व चुनाव सामग्री तैयार की गई। इस मौके पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुखदेव सिंह फरसवान, हरीश चौहान, बल बहादुर थापा, राजू थापा, महाराज सिंह नेगी, ताराचंद, महावीर सिंह नेगी, नथी सिंह रावत, मनवर सिंह चौहान आदि शामिल रहे। बालोतरा उपखंड के कनाना शीतला सप्तमी को भव्य मेले का आयोजन हुआ। मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। वहीं लोगों ने शीतला माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की और विभिन्न गांव से आए गैर नृत्य दल ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। वहीं और मारू लोहा सिवांची पट्टी विकास संस्थान कनाना व लोहार समाज युवा समिति द्वारा मेले में जल की व्यवस्था कर लोगों को ठंडे पानी पिलाकर मारू लोहार समाज के युवाओं द्वारा सेवाएं दी गई, जिसमें सहदेव बोराणा, ओम प्रकाश राठौर, भेरूलाल बोराणा, श्रवण आसोतरा, पत्रकार मनोहर बोराणा, अर्जुन बोराणा एवं समाज के अन्य युवा भी मौजूद रहे। पिछौर में हजरत ख्वाजा बली के उर्स कमेटी के सचिव इरफान खान के निवास पर बैठक का आयोजन किया गया। उर्स की व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया और व्यवस्था हेतु कमेटियां भी बनाई गई एवं उसकी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। उर्स की तारीख अप्रैल माह में चांद दिखाने के बाद निश्चित की जाएगी। दरगाह कमेटी के सचिव इरफान खान ने निवास पर हुई उर्स कमेटी के समस्त पदाधिकारी गण उपस्थित हुए, जिसमें आजाद बोग, फखरुद्दीन खान, शफीफ खान, हाजिब अब्दुल हमीद खान, हाजी इकबाल खान, खलील खान, गफ्फार दूरिया, फारूक खान, रफीक खान एवं समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जनरल मीटिंग रखी गई है, तो उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए और कमेटी में कौन कौन नियुक्त किए गए हैं? हर साल की बात ही उर्स होता है, अप्रैल के माह में उर्स होना जा रहा है, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर एक समाज की मीटिंग ली। उसमें समाज की मीटिंग में हर काम बांटे गए, जैसे पानी को लेके, लंगर की व्यवस्था को लेके, कब्बाल पार्टी की व्यवस्था लेके, और उर्स बहुत बड़े स्तर का होता है, तकरीबन 1,00,000 की जनसंख्या इस उर्स में होती है। भवानी मंडी में श्री महाकाल मुक्तिधाम सेवा समिति पशुपाल के तत्वावधान में शनिवार को सुबह 9:30 बजे मुक्तिधाम परिसर में समाज सेवी वरिष्ठ चिकित्सक जेके अरोड़ा द्वारा निर्मित सभागार भवन को समिति के सुपुर्द किया जाएगा। अध्यक्ष सुनील दीक्षित ने बताया कि चिकित्सक अरोड़ा ने अब उनकी पत्नी चंचल अरोड़ा की स्मृति में सभागार निर्मित करवाया है, जिससे दाह संस्कार के समक्ष मुक्तिधाम में आए लोगों को सर्दी गर्मी बारिश से बचाव हो सके। We'll be right back.
हो सकेंगे, लेकिन नगर पालिका कर्मी व अधिकारी लोकसभा आचार संहिता का बहाना बनाकर काम नहीं कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बुधवार को नगर पालिका को आदेश की प्रति भेज दी है कि आचार संहिता के दौरान भवन निर्माण, पुराने भवन को तोड़कर नया निर्माण आदि कार्य हो सकेंगे। वहीं स्वीकृत आवासीय व व्यवसायीय पट्टे जारी हो सकेंगे, पट्टों का नवीनीकरण करना सहित कई कार्य हो सकेंगे। राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए महाराज ने कहा कि चुनाव आयोग को कम से कम ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार देना चाहिए जो कम से कम हाई सेकेंडरी पास तो हो। सरकारी नौकरी में भी बीएड एमए पास को लेते हैं। ऐसे अनपढ़ लोग जो देश का नेतृत्व करने आ रहे हैं वो आईपीएस व आईएएस को क्या निर्देश देंगे। जिस तरह से 60 वर्ष की उम्र के बाद सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट मिल जाता है, उसी प्रकार से राजनीति में भी ऐसे नेताओं का भी 75 वर्ष की उम्र के बाद राजनीति के लिए राजनीतिक पार्टियों को टिकट नहीं देना चाहिए, जिससे नए ऊर्जावान युवाओं को सत्ता में आने का मौका मिल सके। देश में लोकसभा से लेकर सभी चुनाव अलग अलग नहीं होकर एक साथ होने चाहिए। चुनाव के दौरान आचार संहिता लग जाती है, जिससे कई सारे विकास कार्य रुक जाते हैं। जो बार बार खर्चा होता है वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। एक साथ चुनाव होने से देश में आर्थिक बचत के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत होगी। चुनाव आयोग को संतों के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जब संत सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं तो वो संत के वेश का ब्लैकमेल होता है। अगर चुनाव लड़ना है तो संत वेश का परित्याग करे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट डालने के लिए आगे आना चाहिए। मतदान के प्रति नकारात्मक भूमिका से वोटों का प्रतिशत गिर रहा है, जिससे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। लोकतंत्र के लिए वोट न जाति, न स्वार्थ, न पंथ पर दे। वोट सिर्फ प्रतिभा की ऊर्जा को देखकर वोट दे। पुलवामा में जो हमला हुआ वह सेना पर नहीं हुआ, वह देश की 125 करोड़ जनता पर हुआ। सेना पर राजनीति करके सेना के मनोबल को तोड़ना है। सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी का कोई धर्म व जाति नहीं है। ऐसे लोग मौत के सौदागर होते हैं। ऐसा काम करने की इजाजत कोई भी धर्म नहीं देता है। राम मंदिर के मसले पर उन्होंने कहा कि नियमित कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। भ्रूण हत्या पर बोलते हुए कहा कि भ्रूण हत्या एक मातृत्व हत्या है। माँ की कोख को कत्लखाना बना दिया गया है। ऐसे पापी को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। संत के द्वारा श्री साईनाथ गौशाला पहुंचे, जहां गायों को चारा खिलाया गया व गौशाला सेवा समिति के सदस्यों को गायों की सेवा करने के तरीके बताए गए और कहा कि घर घर जाकर गायों के लिए रोटी एकत्रित करें, जिस पर समिति के गणेश सालेचा व कमल शर्मा ने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल रोटी एकत्रित करने के लिए भेंट कर दी। इस दौरान राजेश नाहर, कमल शर्मा, अभय जैन, गणेश सालेचा, विजय पीयूष चौधरी, दिनेश गुप्ता, मानसी आदि मौजूद थे। आर्थिकता के लिए भी एक गाय जिंदगी लेके पूरे परिवार का पालन कर। जापान के अंदर जैसे लोगों में जज्बा है मातृभूमि का, मैं जनता से अपील करूंगा को परमात्मा से बढ़कर धरनाश में धरती बड़ी है। यदि माँ जन्म देती और धरती माँ हमें न झेलती तो हम खड़े कैसे होते। ऐसे पहला संदेश है अपने जाति, पंथ, जात और भाषा के संकीर्ण टकरावों को दूर करके। जैसे कि आपने कई जगह गौशालाएं भी खोली है, एक जेलों में भी आपने आर्थिकता के लिए भी एक गाय जिंदगी लेके।
देहरादून सहसपुर में आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत चमन सिंह और काबीना मंत्री दिनेश अग्रवाल, अकील अहमद, पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संजय किशोर, लक्ष्मी अग्रवाल, ताहिर अली आजाद, अली अनीस, अहमद गुलजार प्रधान, प्रेम प्रकाश, विकास हिमांशु, कमलापुर प्रधान आदि ने फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके चलते सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की बात कही तथा लगनशील होगा कार्य करना होगा तथा जो भाजपा सरकार ने वादे किए थे वह पूरे नहीं किए और साथ ही जो राहुल गांधी ने 72,000 रुपए सालाना देने की बात कही इस बात पर पूरी जनता खुश है। इसके चलते सभी कार्यकर्ता व कार्यकर्त्रियों ने अपने अपने विचार रखे और सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया। इस अवसर पर अकील अहमद, वाहिद इकबाल, वाहिद ठेकेदार, हिमांशु रामवाला, पूर्व प्रधान दिनेश अग्रवाल, ताहिर अली, संजय किशोर, आजाद अली, अनीस अहमद, प्रेम प्रकाश, गुलजार प्रधान अग्रवाल, मोहित अग्रवाल आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। गरीबी के नीचे व्यापन करने वाले हर परिवार को अब 72,000 रुपए सालाना देंगे, तब से हड़कंप मचा हुआ। और ये हड़कंप इस बात का नहीं है, वो ये जानते हैं कि जनता की समझ में आएगा और वो बात कांग्रेस का विश्वास करेगी। क्यों ये बात मैं इसमें से कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और ये दिखाया उन्होंने जब 3 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उस दौर में कांग्रेस ने कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, इस बीजेपी की सरकार में इन 5 सालों में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। किसानों का परसों 36 तारीख के बाद कल से करेंगे 4 दिन आज उद्घाटन हुआ है कार्यालय का, तो इसमें आप कार्यकर्ताओं को क्या किस तरह से तैयारी करने की बात कहेंगे? आज 5 विधानसभा हमारे यहाँ पर और हमारे बड़े भाई विनेश तिवारी के अध्यक्ष ने कार्यालय का उद्घाटन करा और उसके बाद हम सब लोग बैठेंगे हमारे बीच। तो आप क्या योगदान देना चाहेंगे अभी कार्यकर्ताओं से, किस तरह से तैयारी चली है तुम्हारी? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, लोगों में बहुत इस बात की इच्छा है कि हम जल्द से जल्द जो है कांग्रेस को यहाँ से जिता कर भेजें भारतीय जनता पार्टी। चौमहला दीक्षार्थी मयंक पावेचा की शुक्रवार को जैन समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जगह जगह दीक्षार्थी का सम्मान किया गया। इस दौरान दीक्षार्थी ने वर्षी दान भी किया। मयंक पावेचा उम्र 27 वर्ष के है, इनकी योग्यता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साथ ही अनमोल कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर भी है और कम उम्र में 16 विदेश यात्रा कर चुके हैं। अब संसार की सभी आधुनिक सुख सुविधा छोड़ संयम मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं तथा 7 मई को थानला मध्य प्रदेश के जितेंद्र मुनि से जैन भगवती दीक्षा लेकर जैन साधु बनेंगे। दीक्षार्थी के शोभा यात्रा खुली जीप में जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ शुरू हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई जैन स्थानक पहुंची, जहां स्थानक श्री संघ की ओर से स्थानक संघ अध्यक्ष राजमल जैन, वरिष्ठ श्रावक शंकर लाल नवलखा, मालवा संघ अध्यक्ष रमेश चंद्र जैन ने दीक्षार्थी मयंक का बहुमान किया। यहां से शोभा यात्रा जैन अतिथि गृह पहुंची, रास्ते में जगह जगह दीक्षार्थी का नगर वासियों से सम्मान करा। समापन पर दीक्षार्थी का मूर्ति पूजक संघ की ओर से अध्यक्ष केसरीमल जैन, हंसराज जैन, गौतम जैन, वीरेंद्र डोसी ने बहुमान किया। वहीं किराना परिवार संघ की ओर से अध्यक्ष संजय जैन, दिनेश जैन, संजय तरसिंह ने बहुमान किया। जैन माइनॉरिटी फेडरेशन महिला मंडल बहुमंडल द्वारा भी दीक्षार्थी का बहुमान किया गया। इस अवसर पर नवकारसी का लाभ कन्हैया लाल केसरीमल लोड़ा परिवार ने लिया। शोभा यात्रा में स्थानक श्रावक संघ अध्यक्ष राजमल जैन, मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष केशरीमल जैन, दिलीप लोड़ा, धर्मचंद जैन, सुरेश जैन, पारसमल काटरिया, राकेश धिंग, कन्हैयालाल मोहन जैन, महावीर लोड़ा, राजेश जैन सहित बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष मौजूद रहे। Thank you.
कांग्रेस कार्यालय पर शुक्रवार को कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक हुई। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह व नगर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने न्यूनतम गारंटी योजना के बारे में जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। इस दौरान लोगों को 72,000 रुपए देने की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देकर कार्यकर्ता को कहा कि वो लोगों को इसकी जानकारी देवे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, सुल्तान सिंह, हरीश राठौर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे आज मीटिंग आयोजित की गई है, क्या उद्देश्य है और किस बाबत मीटिंग होगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हमारे आर्थिक अध्यक्ष ने घोषणा करी थी कि भाई अगर सभी राज्यों में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। परिणति ये हुई कि 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी और 3 राज्यों में 10 दिन में उन्होंने यह कर्जा जो वायदा किया था उसमें यह वायदा था कि भाई हम कर्जा माफ़ करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर यह था कि 2 लाख रुपये का कर्जा माफ़ करेंगे। राजस्थान में जो हमारा मेरी फैक्ट्री उसमें लिखा हुआ इस पर कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, उसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जितना ज़्यादा जैसे किसी कास्तकार का अगर 2 लाख है सरकारी के अंदर तो उसका 2 लाख ही माफ़ हुआ है। उसकी लिमिट होती है 1.5 के, लेकिन ब्याज देने तक 2 लाख है तो 2 लाख माफ़ हुआ है। किसी का 10,000 में माफ़ हुआ फीस हुआ उसमें कर्जा माफ़ हो गया है। 31 मार्च तक जो है कर्जा जमा करने की तारीख होती है। अभी कोई भी बैंक किसी कास्तकार से पैसे नहीं मांगने जा रहा है, कर्जा माफ़ हो गया है और अप्रैल में फिर वो पैसा उन लोगों को वापस मिलेगा। ये हमारी कांग्रेस की जो है रीति नीति है, उसके तहत जो है हमारी सब राष्ट्रीय जी ने जो काम किया था वो सरकार ने किया। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव की जो घोषणा हुई उसके बाद जो ये चुनाव होने जा रहे हैं इसमें उन्होंने घोषणा करी कि भाई हमारा जो गरीब वर्ग है इस देश के अंदर वो काफ़ी सालों से जो है पिसा हुआ है। उनकी संख्या करीब 20% है, जिसमें 5 करोड़ लोग उसमें अपने परिवार हैं और 25 करोड़ लोग उस दायरे में आ रहे हैं। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी अर्थशास्त्रियों से, पूर्व जो रिजर्व बैंक के गवर्नर से उनसे राय ली और राय लेकर के ये घोषणा करी कि भाई मिनिमम आय की गारंटी हम जो है जनता के लिए देंगे। अगर ये केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो 12,000 रुपये महीने के हिसाब से 72,000 रुपये सालाना हम जो है गरीब परिवार को देंगे। उसमें अगर किसी के इनकम मान लो 10,000 है तो उसको 2,000 मिलेगा, किसी की 6,000 तो 6,000 मिलेगा। कुल मिलाकर के 72,000 रुपये की जो है उसकी खाना पूर्ति सरकार जो करेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है घोषणा है और सरकार बनेगी तो हमें पूरा विश्वास है कि वो ये काम जो सरकार बनने के बाद होगा। इसी में जो है हमारे जिला अध्यक्ष ने जिला स्तर पर जो कल मीटिंगें हुई और ब्लॉक स्तर पर हमने आज सभी जगह जो है मीटिंगें रखी है और सरकार अगर बनेगी तो ये वादा हमारा पूरा होगा। भवानी मंडी में 23 मार्च को गुरुद्वारे में यहां एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर पर उन्हें बुलाकर उन पर फायरिंग की गई जिससे उन्हें गोली लगी थी, जहां उन्हें राजकीय स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कर वहां उपचार कर उन्हें कोटा रेफर किया गया था जहां उनकी गोली निकाली गई थी। वहीं अस्पताल में भर्ती के दौरान खबर 24 न्यूज के संवाददाता ने जब वहां पहुंचकर उनसे बात की तो क्या किया उन्होंने, पूरा वाक्य जुबानी पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर की। जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये कहावत बिल्कुल सटक बैठती है उन ईमानदार सच लोगों के ऊपर। हम बात करते हैं खबर 24 तरफ से, मैं लोकेश मकवाना। शनिवार के दिन भवानी मंडी के अंदर गुरुद्वारे के बाहर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और अज्ञात हमलावर नामदेव हमलावरों ने जिस तरह से पूर्व पालिका अध्यक्ष पर गोली से हमला कर उन्हें घायल कर दिया, अफरा तफरी मच गई। और यह कोई नया वाकया नहीं है, 18 साल पहले भी रामलाल गुजर पर चाकू से वार किया था। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला होता है, जो बांगी है वो इस सुधा हॉस्पिटल में देखने को नजर आई। हम बात करते हैं रामलाल जी से कि उस दौरान जब एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम चल रहा था, आप वहाँ कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे, आप कैसे वहां से निकले और क्या ऐसी बात थी, आप वहां जब जाने लगे तो आपके ऊपर हमलावरों ने फायरिंग की और आपको घायल कर दिया। रामलाल जी, जिस तरह से आप कार्यक्रम के दौरान थे, आप कार्यक्रम के दौरान उठकर कहीं जा रहे थे, वो लोग कैसे आप पे अटैक हुए, क्या हुआ पूरा घटना? गुरुद्वारे के सामने सिख समाज ने शहीदों के नाम एक कार्यक्रम रखा था जी, उसमें गया था मैं जी। कार्यक्रम से मेरे बीच में ये जो 6 तारीख को नए वर्ष का जो जुलूस निकलता हर साल हिंदू दिवस को, हाँ 6 तारीख जी, उसकी तैयारी में हम लगे हुए थे जी। तो उसकी वजह से मैं कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे को बात करने की जी, तो बात करता करता मैं वहाँ से निकला और जैसे ही मैं निकल रहा था तो मंच के पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी। अच्छा,
तो जैसे ही गाड़ी के पास गया तो गाड़ी के आड़ वो लोग सेंटर आए, गाड़ी के गाड़ी के पास गया वो मेरे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू करी, पहले तो मैंने छीनने की कोशिश करी जी, फिर मैंने सोचा छीनूंगा तो ज़्यादा लोग नजर आ रहे हैं जी, फिर वहाँ से उनसे वहाँ से भागने की कोशिश करी, भागने की कोशिश, भाग के मैं निकला और निकल के भीड़ की तरफ पहुँचा, वो लोग फिर वहाँ से उधर तक मेरे पीछे फायरिंग करते हर फिर वो लोग निकले, तो कई वहाँ पे कई लोगों के दूसरे लोगों को भी गोली लगी, चार लोग घायल हुए। ये जो घटना है क्या लग रहा था आपको कि आप हमेशा सुबह 5 बजे उठकर घूमने चले जाते हैं, नगर पालिका की जब स्वच्छ की बात आती है तो आप जगह जगह पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपके ऊपर पहले से इसकी रैकिंग की गई थी? ये 6 महीने से रैकिंग चल रही थी और वही लोगों की जलन है, भाई इतना काम कर रहे तो क्यों कर रहे हैं जी, ये गाँव में इतना काम क्यों कर रहे हैं, इनको यहाँ की पब्लिक हो जाए चाहने लगी है, दोबारा फिर 1.5 साल बाद नगर चुनाव आ रहे हैं, वही चुनाव को देख के इनके जलन है जी, जो राजनीति के भूखे भेड़े लोग हैं जिनको पद पाने के लिए कुछ भी नीच हरकत वो कर सकते हैं, खाली उनको एन कैन करके उनको सिर्फ फट चाहिए, वो लोगों की ये साजिश है, वो लोग मेरे सामने तो आ नहीं सकते हैं, वो पीछे से वार करते हैं, सामने आने की लोगों की हिम्मत नहीं किसी की। क्या लगता है आपको जिस तरह से आपने निजी अखबार के अंदर एक इंटरव्यू में कहा कि भाई कुछ ना कुछ राजनेता जो है वो मेरे ऊपर घात लगा कर बैठे हैं, खुद अपने जो हमारे लोग हैं उनकी साजिश है, जो अपने लोग हैं उनकी अपने लोगों की साजिश है, क्योंकि अपने लोगों का जहाँ डर होना रहता है दूसरों के कोई डर नहीं। लेकिन ये आज बात आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और जिस तरह से इतना कुछ होने के बाद भी आप जनता की जो एक दुआ है वो काम आई है आपके, और फिर आप आज यहाँ से आपका छुट्टी यहाँ से विदाई हो रही है और कई लोग आपका वहाँ शहर के अंदर इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा हमला होने के बाद एक जीवन बूटी जो है वो आपको फिर दी गई है? मैं देखो पुलिस प्रशासन में यही निवेदन करूँगा कि उनको तुरंत अरेस्ट करें ताकि दोबारा ऐसा हादसा नहीं हो और उनको अरेस्ट करके उनकी सजा उनको दी जाए, और जो उनके पीछे हाथ है मेन जिन्होंने उनको पैसा देके काम करवाया है जी, उनको जरूर पकड़े, वो है मेन, बिल्कुल वो तो कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे लोग हैं जो मतलब एक टाइम पर खाना नहीं मिलता है, ऐसे लोग हैं जिन्हें तैयार कराए लोगों, तो सीधा सीधा तरीका माने जाने एक सुपारी जो है, सुपारी दी गई है और इस पर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, जो सिर्फ उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, वो कैसे भी करके पैसा कमाते हैं वो, कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि और आपकी जो काम करने की गतिशीलता वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों के भी सामने खटखटती होगी, उसका जो परिणाम है जो फिर आपके ऊपर ये घटनाक्रम हमला हुआ, वही उनके अखरती है, वो इतना काम क्यों करते हैं। देखा आपने ये रामलाल गुर्जर ने बताया कि जिस तरह से मैं सुबह पूरे शहर के लिए सोचने का प्रयास करता हूँ, सुबह सुबह उठकर स्वच्छ भारत का नारा प्रधानमंत्री का वो भी कहीं ना कहीं भवानी मंडी शहर में नजर आता है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम पुरपालिका अध्यक्ष में हुआ, हम बात भवानी मंडी शहर के उन समाज सेवियों की भी करना चाहते हैं जहाँ इस तरह के सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम के दौरान इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं इस बात को गवारा देता है। हम बात करेंगे आगे उन लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से पुरपालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर पर जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद भी जाको राके साइयां मार सके ना कोई, ये आपके सामने मैंने बताया है। खबर 24 पर इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली खबर में, नमस्कार। ये जो घटना है क्या लग रहा था आपको कि आप हमेशा सुबह 5 बजे उठकर घूमने चले जाते हैं, नगर पालिका की जब स्वच्छ की बात आती है तो आप जगह जगह पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आपके ऊपर पहले से इसकी रैकिंग की गई थी? ये 6 महीने से रैकिंग चल रही थी और वही लोगों की जलन है, भैया इतना काम कर रहे तो क्यों कर रहे हैं जी, ये गांव में इतना काम क्यों कर रहे हैं, इनको यहाँ की पब्लिक हो जाए चाहने लगी है, दोबारा फिर 1.5 साल बाद नगर चुनाव आ रहे हैं, वही चुनाव को देख के इनके जलन है जी, जो राजनीति के भूखे भेड़े लोग हैं जी, जिनको पद पाने के लिए कुछ भी नीच हरकत वो कर सकते हैं, खाली उनको एन कैन करके उनको सिर्फ फट चाहिए, वो लोगों की ये साजिश है, वो लोग मेरे सामने तो आ नहीं सकते हैं, वो पीछे से वार करते हैं, सामने आने की लोगों की हिम्मत नहीं किसी की। क्या लगता है आपको जिस तरह से आपने निजी अखबार के अंदर एक इंटरव्यू में कहा कि भाई कुछ ना कुछ राजनेता जो है वो मेरे ऊपर घात लगा कर बैठे हैं, खुद अपने जो हमारे लोग हैं उनकी साजिश है, जो अपने लोग हैं उनकी अपने लोगों की साजिश है, क्योंकि अपने लोगों का जहाँ डर होना रहता है दूसरों के कोई डर नहीं। लेकिन ये आज बात आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और जिस तरह से इतना कुछ होने के बाद भी आप जनता की जो एक दुआ है वो काम आई है आपके, और फिर आप आज यहाँ से आपका छुट्टी यहाँ से विदाई हो रही है और कई लोग आपका वहाँ शहर के अंदर इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दोबारा हमला होने के बाद एक जीवन बूटी जो है वो आपको फिर दी गई है? मैं देखो पुलिस प्रशासन में यही निवेदन करूँगा कि उनको तुरंत अरेस्ट करें ताकि दोबारा ऐसा हादसा नहीं हो और उनको अरेस्ट करके उनकी सजा उनको दी जाए, और जो उनके पीछे हाथ है मेन
जिन्होंने उनको पैसा देके काम करवाया उनको जरूर पकड़े, वो है मेन। बिल्कुल वो तो कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे लोग है जो मतलब एक टाइम पर खाना नहीं मिलता है, ऐसे लोग है जिन्हें तैयार कराए लोगों को। सीधा सीधा तरीका माने जाने एक सुपारी जो है, सुपारी दी गई है और इस पे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो सिर्फ उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, वो कैसे भी करके पैसा कमाते हैं वो। कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धि और आपकी जो काम करने की गतिशीलता वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों के भी सामने खटखटती होगी, उसका जो परिणाम है जो फिर आपके ऊपर ये घटनाक्रम हमला हुआ, वही उनके अकर्ती है, वो इतना काम क्यों करते हैं। देखा आपने, ये रामलाल गुर्जर ने बताया कि जिस तरह से मैं सुबह पूरे शहर के लिए सोचने का प्रयास करता हूँ, सुबह सुबह उठकर स्वच्छ भारत का नारा प्रधानमंत्री का वो भी कहीं ना कहीं भवानी मंडी शहर में नजर आता है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम पुरपालिका अध्यक्ष में हुआ, हम बात भवानी मंडी शहर के उन समाज सेवियों की भी करना चाहते हैं जहाँ इस तरह के सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम के दौरान इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं इस बात को गवारा देता है। हम बात करेंगे आगे, उन लोगों से भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से पुरपालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर पर जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद भी जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये आपके सामने उन्होंने बताया है। खबर 24 पर इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली खबर में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।